हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो आई गेस 7 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं अब इस वाले व्लॉग में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस वाले चाचा मैं करती थी रोज। हाँ, तो काफी टाइम बाद ये पूजा एंड हेमा व्लॉग पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मम्मी की तबीयत तो अब पहले से थोड़ी मम्मी बेटर फील कर रही है, क्योंकि उसी दिन हुआ था। अभी थोड़ा तो मम्मी को हल्का हल्का सा लग रहा है, मेडिसिन स्टार्ट हो रही है। टाइम लगता है एकदम से कुछ भी हो जाए। पहले से तो ठीक लग रहा है ना? हाँ, पहले से फर्क है। हाँ, तो मम्मी कह रहे थे कि ना बोर हो रहे हैं। मैंने कहा चलो फिर थोड़ा घुमाया थे, पास नहीं जा रहे, ज्यादा दूर नहीं जा रहे, ऐसा चलने वाला कोई सीन नहीं है मम्मी का। चलने वाला तो रिक्शे पे ही जाएंगे, रिक्शे पे ही आएंगे, ज्यादा घूमना नहीं है। मम्मी को ये बोला कि घर बैठे बैठे भी ना बंदा थोड़ा बोर होने लग जाता है, तो मम्मी को कहा चलो ठीक है। और गाइस, आप लोगों को, आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं ना घर नहीं ज्यादा टिक पाती। कहीं कहते थे घूमती रहती आंटी, लेकिन मेरी आदत क्या है मैं आपको बताऊं। मैं आपको ज्यादा लेटी रहूं, मुझे वो चीज पसंद नहीं आती। हाँ। चाहे मैं जितनी मर्जी बीमार हो जाऊं, मैं बेड रेस्ट नहीं कर सकती। अनलिमिट जैसे सोए रहूं मुझे कुछ, हाँ ठीक है दोपहर के 1-2 घंटे रेस्ट होता है, वो चीज अलग है। मैं सारा दिन नहीं लेट सकती। मुझे ना कुछ ऐसा लगता है कि बस मैं उठू। और मेरा रोज की एक रूटीन थी शॉप पे जाना, तो मैं चल नहीं पा रही। मुझे ऐसा लगता है घर बैठे थे ना, मेरे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो रही, चल नहीं रही, एक्टिव नहीं रहा मैं, वो ढीली ढीली सी हो गई हूँ मैं। तो मैंने पूजा को बोला, मैं कहा मैं बिल्कुल चलूंगी तो नहीं, बस रिक्शे पे आएंगे, रिक्शे पे चल पड़ेंगे, तू चल पड़े मेरे साथ। और परसों जैसे अब ललिता मासी के ब्लॉग में पता चला होगा, अंकल का बर्थडे संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अंकल के लिए भी कुछ दिखाते हैं, मार्केट में एक आध अपने लिए कुछ चीज़ दिखाते हैं, निकलते हैं, अगर ठीक लग रहा है तो ही। पूछा मम्मी ये ठीक है, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं ठीक है मम्मी। कल तो दिखाना ही है डॉक्टर के पास। हाँ, बाकी देखते हैं आगे क्या बोलता है। पर मैंने कहा आगे अगर कुछ बोला रेस्ट वगैरह के लिए तो बात की बाद में देखी जाएगी। चलो मैं 1-2 घंटा, ये ज्यादा नहीं है, शाम को निकल रहे हैं, बस 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। आए हैं किंग्स पे, पूजा सेल लगी हुई है, नीचे होती है, नीचे होती है। चल देखते हैं ऊपर जाके कुछ दिखता है तो, नीचे भी देख लेते हैं एक बारी। तो गाइस, पूजा ले रही है स्वीट कॉर्न, अब हमें दिल कर रहा है खाने का। मुझे ना जो इसकी खुशबू आती है ना, पूजा ने गाइस स्किन से वो ले लिया है, अपनी सैंडल ले लिया है, तो अब ये बनवा रही है पूजा। और इसकी ना हम जाते हैं ना, मुझे इसकी ना वो खुशबू सी बहुत अच्छी लगती है, एक जैसे निकलो और इनकी वो। तो मैंने कहा चल पूजा कहती मम्मी ले लेती हूँ, मैं दिल कर रहा है खा ले कोई मैम। हाँ, लाइट लाइट बनवा ले खा ले। और कुछ लेना है? बस पापा के लिए बड़ा पाव मिलेगा। हाँ, पापा ने बोला है खाना है। भैया खाना है, पैक करवा दो। हाँ वो पैक करवा दूँगा। हाँ पापा कह रहे थे इसको बड़ा, उनको बड़ा पसंद आता, तो ले चलते हैं। बड़ा पाव ले गाइस, पूजा ले रही है यहाँ पर, बड़ा पाव पैक करवा रही है पापा के लिए, और सब लोग खा रहे हैं। और गाइस ये देखिए, ये है इनका मुंबई बड़ा पाव, इसने ये बड़ा दिया है, और रेट भी बिल्कुल सही है। समोसा भजिया बोले तो स्पेशल बड़ा पाव 45 का है, और इटालियन बड़ा पाव देखो, ये सब इनकी बुक है। ये देखो ये सारी गाइस इनकी बुक है, ये देखिए बिंदास शेजवान बड़ा पाव। देखो गांधी साइकिल से आगे है, पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरी है ये खाने के लिए, पूजा को टेस्टी लगते हैं उनकी। घर के लिए ले रही थी, मन्नू आज शायद आए रात को। अच्छा आएंगे? हाँ, मैं कहा रात में चावल बनाऊंगी, आ जाओ। हाँ तो मन्नू भी खाते, मैं कहा ले लेते दोनों के लिए। घर जाके बस तू लग जाइयो फटाफट, ठीक है? हाँ घर जाते अपने काम पे लग जाइयो, फटाफट रेडी हो जाएंगे। बड़ी सारी वेरायटी है ना। हाँ देखो गाइस, मन्नू को भी पसंद आते हैं। राम लड्डू ले ले। हाँ बड़ा नहीं भैया, छोटे सही रहते हैं भैया, एक खोलो हो जाता है। जिसमें ले लो उसमें दो। हाँ ऐसी चीज है, ऐसे ही ये तो, ऐसी चीजें खाई जाती हैं। ये सौंफ ले ले खाने हैं तो। हाँ एक देख, एक पता नहीं अभी क्या देख रही थी है मम्मी। हाँ ये देखो एक बार अनार दाना लेना अपने, देख ले खाना है तो। और भैया ये वाला आम पापड़ तो, ये बड़े वाला, ये तो नहीं 50 का होगा है ना? हाँ ये 100 का। हाँ कैंडी है ना सारी। हाँ छोटे वाला कौन सा है? नहीं ये तो नहीं लेना। हाँ चल यही ले ले, लेने तो एक और ले ले बस। देख ले जो जो तू खाती है ले ले। तो गाइस यहाँ बना रही है पूजा राजमा चावल, इसने राजमा उबलने रखे हैं, इधर रख दिए चावल, और इधर कर रही है पूजा ये तड़के की तैयारी, तो साथ साथ कर रही है ये।
प्याज और वो प्याज अच्छे नहीं आए हुए, प्याज इस समय अच्छे नहीं आ रखे। पता क्या हो रहा है, प्याजों में ना अंदर से बाहर से सूखे हैं, अंदर से खराब हो रहे हैं और महंगे भी बहुत हो रखे हैं। पता नहीं क्या चक्कर पड़ रखा है। कोई नहीं, चल जो है तो बेटा क्या कर सकते हैं, कर ले तू फटाफट। और तड़का इसके बाद ये उबलते हैं, तड़का लगा दे, ठीक है। ये हाथ का ही खाना है वापसी, दो दिन आपने बड़े मजे कर लिए, अच्छा बनाने लग गई है। हाँ मैं तो खुश कहती हूँ, मैं कहा बस अच्छा बनाती है खाना, टेस्टी बनाती है। हैं इसने ना क्या था, सब्जियाँ काफी, तो इसने जब मैं बीमार हुई थी ना तो इसने काफी सीख ली थी उस टाइम पे, इसको कुकिंग का थोड़ा हो गया था, वो काम इसका आ गया, अब तो बढ़िया बनाने लग गया है। हाँ रेगुलर नहीं बनाती थी ये, क्योंकि बीच बीच में मैं और कुछ ना इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये अभी भी मुझे बोलती है, कहती है मम्मी आप मुझे अकेले काम नहीं करने देते ये। हाँ मैंने इसको कभी पहले अकेले छोड़ा नहीं, मैं इसके साथ लग जाती थी। ये वही बोलती है, कहती है मम्मी आप मेरे बीच में मत करो, आप रसोई से जाओ मैं कर लूंगी। तो आज मैंने इसको, मैंने कहा तू राजमा चावल आज अपने आप ही बना, मैं नहीं आ रही, आज मैं नहीं आई। हाँ तो आज मैं आई नहीं, इसने अपने आप फटाफट बना दिए। इसने पहले रखे राजमा उबलने, एक साइड चावल चढ़ा दिए, फिर तड़के की तैयारी साथ साथ कर दी, वो स्पीड से बन गया। मुझे खुद नहीं लगा था इतनी स्पीड से ये बना देगी। है हाँ मेरी है, तो वही अब धीरे 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 मैंने इसको बोला, मैंने कहा आज मेरी कुकिंग में इतनी वो हो चुकी है, क्योंकि मैं आदत है, कई सालों का एक्सपीरियंस है कि मेरे को टाइम नहीं लगता खाना बनाने में बिल्कुल। मुझे कोई आधे घंटे के भी बोले ना, मैं आधा घंटे में भी खाना रेडी कर सकती हूँ। तो मैं कहा तेरे को भी धीरे धीरे जब तू बनाती रहेगी रोज हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की। कह रही घर तो मैं डेली बनाती हूँ, घर तो डेली बनाती है सब्जी, यहाँ भी आई है तो बना ही रही है। हाँ अच्छा बना रही है। और तो गाइस मार्केट से वापस आके हमने करा थोड़ा सा काम, मैं तो बैठ गई आराम से, मैं कहा पूजा तू ही बना आज, तू ही कहती मम्मी आप बैठो मैं बनाती हूँ सारा। तो पूजा ने फिर खाना बनाया, और खैर पूजा के पापा को भी बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि पूजा बनाती है घर में भी तो अच्छा ही लगता है, चलो और टेस्टी भी बनाती है पूजा, खाना बनाना तो बहुत अच्छा बनाती है। आज अब खुल गया है ना, पहले थोड़ा वो था आपकी, वो देखती थी कि आप कैसे बोल रहे हो क्या कर रहे हो, अब तो खुद ही बस गई फटाफट। अब मैं आप कहता था मैं स्पीड कम, अब स्पीड सही तो है मेरी, अब सही हो गई है। हाँ अब सही हो गई है, पहले कम थी अब सही है। हाँ वो बना बना के और 6 महीने बाद देखियो तेरी बहुत अच्छी हो जाएगी स्पीड। और खाना जैसे जैसे बनाते जाओ ना, हाथ वैसे वैसे हाथ खुलता है हमेशा, चॉपिंग में हाथ खुलता है, बनाने में हाथ खुलता है, हर चीजों में, तो ये चीजों में फर्क पड़ता है। अब हमें क्या है, हमें अगर एक साइड कढ़ाई रखी, दूसरी साइड पटेट खाना बना लिया, प्याज को चॉप कर लिया, तुम्हें क्या है अब तेरे को रेडी करके, तो धीरे धीरे तेरी भी हैबिट बढ़ जाएगी, ये होता है, फटाफट बंदा काम कर लेता है। तो गाइस पूजा तो अपने सैंडल ले, और सैंडल भी पूजा के बहुत अच्छे हैं, अच्छे लग रहे थे बस, है ना। इसको काफी टाइम से ये वाले स्टाइल ना पसंद आ रहा था, और सिल्वर में ही चाहिए था, तो मैं कहा चल गोल्डन तो है, शादी वाली भी है, ये पार्टी वेयर हो गई। हाँ बाकी तो काफी है, कलर्स भी काफी कर, और क्या है ये चीजें क्या है चाहिए होती है, हर कलर की जितनी भी इकट्ठे करते थे चाहिए होती है, कि आगे और बंदा ले लेता है। कभी कोई दो हो गए, एक वो 4 इंच वाली है, वो अब लहंगे उनके नीचे पहन सकती हूँ, ये ड्रेसेस के नीचे, जीन्स जीन्स नहीं ड्रेसेस वगैरह जो भी हो पार्टी वे उसके नीचे पहन सकते, अलग अलग चाहिए होती है। पर ना उसमें हमारे से क्या गलती हुई थी, जब हमने वो वाली ली थी, हमने आगे से स्टोन वर्क ज्यादा ले लिया था, तो ये चीज का समझ आई है कि वो ड्रेसेस के नीचे सही है, अगर आप साड़ी के नीचे पहनोगे, नेट की साड़ी थी, पता पूरी साड़ी नीचे से फॉल से खराब हो गई थी सारी उसकी, वो जो स्टोन थे, स्टोन के जो हुक होते हैं टाइट होने वाले, उससे क्या है जैसे पूजा चल रही थी साड़ी फटनी शुरू हो गई थी वो, तो फिर साड़ी तो खैर फॉल ही फटनी थी, साड़ी क्या फटनी थी, फिर साड़ी दोबारा से उसको सही करे, कोई तुमने डाली भी नहीं दोबारा, वो है ना वो साड़ी सुंदर है, जो लेके गई थी उसने डाली नहीं दोबारा। अब मैं इसको कह रही कोई फंक्शन आए डाल दियो दोबारा, एक ही शादी आई थी, एक दो शादी आई थी, ज्यादा आई नहीं मेरी शादी के, मैंने देखा है हैवी कपड़े में ज्यादा उतने काम नहीं आते, ये है लेने पड़ते हैं शादियों पे, पर आपको एक आध बार डाला दो बार डाला उतने काम नहीं आते। अभी तो चीना की शादी आएगी ना उसमें रहेगी एक्साइटमेंट ना, उसमें उसमें होगा कि कई फंक्शन होंगे तो कपड़े भी चाहिए होंगे, सब कुछ चाहिए होगा। आगे आगे देखो दीदी कब करती है, तो इस साल करती है, नेक्स्ट ईयर करती है, ये भी अभी जब भी हो जाएगा, पर हो जाएगा जल्दी दीदी करेगी। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।